खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां लव जिहाद को लेकर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सरकार द्वारा लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस अध्यादेश को बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने वाला बताया है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला करार दिया है। उन्होंने इसे सर्वधर्म से जुड़ा अध्यादेश बताया है। पूर्व मंत्री ने मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष के साथियों को हर चीज में धर्म नजर आती है और इसमें ही उनका फायदा है, क्योंकि वे इस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की राजनीति में विश्वास रखता है। देखिए, जहां तक बात की जाए इस अध्यादेश की, तो खासकर कि अध्यादेश जो लाया जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा पूर्व में अवैध धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे मामले आया करते थे, जब एजेंसियों से जांच कराई आदरणीय योगी सरकार ने, तो उसमें पाया गया कि बहुत से लोगों ने इस तरह के अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे, छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं।